यूएन में गरजे विदेश मंत्री जयशंकर। अनफॉर्चुनेटली द मिसडीड्स अफेक्ट अदर्स एज वेल, एस्पेशली द नेबरहुड। व्हेन दिस पॉलिटी इंस्टिल्स सच फैनेटिसिज्म अमंग इट्स पीपल, इट्स जीडीपी कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। जयशंकर ने कहा पाकिस्तान से अब पीओके खाली कराना बाकी। द इश्यू टू बी रिजॉल्व बिटवीन अस इज नाउ ओनली द वैकेशन ऑफ इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी बाय पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द अबैंडनमेंट ऑफ पाकिस्तान्स लॉन्ग स्टैंडिंग अटैचमेंट टू टेररिस्ट। कटोरा लेकर दुनिया में क्यों घूमते हो, हमसे ले लो। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में ही एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया, जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक का हो गया। और यह रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाज आप भी पता लगा सकते हैं। इतनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने विनती कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हो गया। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई और साफ शब्दों में कुछ बातें जो है सामने रखी, जहां पर एक तरफ रक्षा मंत्री ने यह कहा कि पाकिस्तान के साथ अगर टर्म्स ठीक होते तो फिर उन्हें कटोरा लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जो पैसा जो पैकेज जो है IMF दे रहा है उससे ज्यादा पैकेज जो है वो भारत उसे दे देता। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा भी बड़ा बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि पाकिस्तान से अब सिर्फ पीओके को लेना बाकी है, उन जगहों को खाली कराना बाकी है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखे हैं। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एस जयशंकर की। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मसला उठाने के बाद भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया। पहले तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि भाविका मंगलन नंदन ने पाकिस्तान को उसके बारे में और उसकी अगर आप कहेंगे कि बयानों को लेकर क्लास लगाई, और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के बीच सुलझाया जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को वापस लेना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 79th UNGC को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि हमने कल इसी मंच से कुछ विचित्र बातें सुनी, मैं भारत की स्थिति को स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसे दंड से बचने की भी कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसके विपरीत कार्रवाई के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। क्या कुछ कह रही है विदेश मंत्री जयशंकर, जरा देखिए। Many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed.
and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative UN, and a UN fit for purpose in the contemporary era is essential. Let us therefore send out a clear message from this UNGA session. We are determined not to be left behind. By coming together, sharing experiences, pooling resources, and strengthening our resolve, we can change the world for the better. तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं ये चीजें कह रहे थे, इस दौरान पाकिस्तान के द्वारा जो वहां पर मौजूद थे व्यक्ति वो लगातार नोट ले रहे थे कि जयशंकर द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, जिसने सभी का ध्यान काफी ज्यादा खींचा। आपको बता दें कि एस जयशंकर ने कश्मीर नीति और आतंकवाद को लेकर भी भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे बीच सुलझाए जाने वाला मुद्दा केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे लगाव को त्यागना है। पाकिस्तान की अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनाह देने की नीति के बारे में बोलते हुए वो कहते नजर आए कि कई देश अपने नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके कृत्यों का असर दूसरे पर भी पड़ता है, खासकर पड़ोस पर। उन्होंने कहा कि जब राजनीति अपनी लोगों में इस तरह की कट्टरता भरती है तो इसकी जीडीपी को सिर्फ कट्टरपंथ और आतंकवाद के निर्यात के रूप में मापा जा सकता है। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लाने की कोशिश की गई वे उसके अपने समाज को निगल रही है। ये दुनिया को दोष नहीं दे सकते, ये केवल इनका अपना कर्म है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएनजीसी में बोलते हुए कश्मीर में भारत सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी, और इसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के लोगों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए जो है एक सदी तक संघर्ष किया है। तो ये बातें वो कह रहे थे। उन्होंने आशंका भी जताई थी कि अगर पाकिस्तान किसी तरह का दुस्साहस करने की सोचता है तो भारत उसे छोड़ेगा नहीं, और भारत की बढ़ती सैन्य क्षमताओं के बारे में बोलते उन्होंने कहा था कि भारत के नेतृत्व नियंत्रण रेखा पार करने की धमकी दी है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो इसे लेकर काफी जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी, और इसके बाद अब जो है जयशंकर ने सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को लेकर काफी कुछ कहा, और यह कहा कि अगर पड़ोसी देश ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए होते तो भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से मांगे गए पैकेज से भी बड़ी राहत पैकेज देता। बांदीपुरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने इस बारे में जो है जिक्र किया। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, जरा एक बार आप सुनिए। जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। पाकिस्तान को यह घोषणा नहीं चाहिए दहशतगर्दी या खराब, हम सरहद के एक तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं। अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्माएंगे। मोदी जी जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 नहीं एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया, जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक हो गया।
और यह रकम कितनी ज्यादा है, इसका अंदाज आप भी पता लगा सकते हैं। कितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने विनती कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बोली है। मैंने कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों, क्यों दूरी बनाकर मुझे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे, आप हमारे पड़ोसी बोलो और हमारे आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यानी कुछ बेहतर रिश्ते बना करके रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। दोस्तों हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जबकि पाकिस्तान में इस्तेमाल लंबे समय से होता चला, दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है, दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। उस मुल्क के पास मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है, मैं आपको यह यकीन दिला कर जाना चाहूँगा। कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जांच की है पाकिस्तान का यहाँ क्लियर है मेरे दोस्तों। मैं पूरी ईमानदारी से आप कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अब एक्सपोज हो चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया, और आपने देखा होगा कि हमारे आने अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए जब आप प्रधानमंत्री थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। आप हिंदुस्तान की हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को बंद करो, मगर आज भी वह भाग नहीं आ रहा। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान इस समय बहुत आया है और भारत वह कोशिश कर रहा है कि फिर से दहशतगर्दी का आलम इस जम्मू कश्मीर में फैला, नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो मेरे दोस्तों। लेकिन आप लोगों के हौसले को देखकर मुझे पक्का यकीन है कि मेरे दोस्तों अब यहाँ की जमहूरियत को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है, पक्का विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह नया हिंदुस्तान है, दहशतगर्दी या खराब हम सरहद के एक तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी आकर मुकाबला कर सकते हैं आगे। और जो लोग सरहद के उस पार रहकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं और उनको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्माएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरे देशों से पैसे मांगता है। बांदीपुरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे होते तो भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मांगे गए बेल आउट पैकेज से बड़ा बेल आउट पैकेज देता। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-15 में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी जो 90,000 करोड़ रुपए तक तो पहुंच गया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि यह रकम IMF से पाकिस्तान द्वारा मांगे गए बेल आउट पैकेज की रकम से कई ज्यादा है। राजनाथ सिंह ने पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के मशहूर बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने कहा मेरे पाकिस्तान दोस्तों हमारे बीच तनावपूर्ण संबंध क्यों है, हम पड़ोसी है, अगर हमारे बीच अच्छे संबंध होते तो हम IMF से ज्यादा पैसे देते। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से पैसे की मदद का दुरुपयोग कर रहा है और वो अपनी धरती पर
आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने के लिए दूसरे देशों से पैसे मांगते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर का कर्ज है, आईएमएफ ने उसे महज 7 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है और पाकिस्तान को आईएमएफ की कुछ कड़ी शर्तों को भी मानना होगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करते जो है कहते नजर आए। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जब घाटी में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत को बहाल करने का वाजपेयी का सपना साकार होगा तो कश्मीर फिर से धरती का स्वर्ग बन जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ गया है और इसके कुछ भरोसेमंद सहयोगी भी पीछे हट गए हैं। जब भी हमने आतंकवाद की जांच की हमें पाकिस्तान शामिल मिला। हमारी सरकारों ने लगातार पाकिस्तान को ये समझाने की कोशिश की है कि उन्हें आतंकी शिविर बंद कर देने चाहिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान की क्लास, पहले जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर लगाई और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, जैसा कि आपने बयान सुना भी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से साझा करिएगा। धन्यवाद।